रहा है सेकंड लैक्टेशन में, यंग मुर्रा पशुधन है और युवा साथी हैं कृष्ण। हाथ ला करके एक बार अभिनंदन जरूर करें। तो देखें इनकी ये जो भैंस है, क्या कुछ लाइन है, क्या कुछ इन्होंने घर पर होम ब्रिड है, घर पर पाल करके तैयार की है, और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है, वो डिटेल इनसे अवश्य लेंगे। बस बांधें यहाँ पर बांधें। तो देखें एक बार फिर, बस यहीं घुमा दो। रात्रि में इसमें एक मेल काफ को जन्म दिया है और जो है रात्रि में इसका दूध निकाला हुआ है, फिर सुबह जो है फिर दूध निकाला है, और अभी ये देखें दोपहर का समय है। तो इस समय तक इसकी क्या कुछ नरम होकर के जो थन है और जो लास्ट पोजीशन जो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, बांधे बताएं, डिटेल बताएं। नमस्कार। घर की पाली हुई है? बिल्कुल घर की। अच्छा, घर की पाली हुई है। बताएं कौन से फादर साइड, मदर साइड, और फर्स्ट लैक्टेशन में क्या कुछ दूध रहा जी? आपका मेरे घर पे पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आभार। व्यूअर्स को भी हाथ जोड़ के मेरी राम राम। राम राम, बताएं, आ जाए। ये अपने जो बड़ी भैंस है ये कटरी है, ठीक है, ये आपकी घर की बड़ी भैंस है, ठीक है, ठीक है। 23 किलो 70 ग्राम HLD रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड दिखाएं, अभी लेके आऊंगा मैं, आपने दिखा, ठीक है, ठीक है। 23 अंत में, हाँ, उसको अटैच करेंगे। 23 किलो 70 ग्राम, ठीक है। उससे पहले सेकंड ब्यात में इसने 19 किलो 820 ग्राम रिकॉर्ड करवाया था, उस टाइम ये नीचे कटड़ी थी। अब ये कौन से ब्यात में है? इसी का ये इसके साथ का वही टैंक चल रहा है। अच्छा, वही टैंक है, ठीक है। टैंक भी जैसे हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। जो बचपन का टैग है ना वही टैग चल रहा है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर आपके संपर्क में है तो उससे इस टैग से ये पूरा जो है रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। 16003037424, ठीक है। उस टाइम सेकंड लैक्टेशन में कितना दूध दिया था इसने? 19 किलो 820 ग्राम। तो अभी कौन से ब्यांत में है ये? अभी ये छठे ब्यांत में ब्याएगी जी। अच्छा, ब्याएगी। इससे पहले पांच बार ब्या चुकी है, पांच बार ब्या चुकी। इसके नीचे इस बार जो काफ है वो किसका है? ये भीष्मा का काफ है, भीष्मा बुल, ABC सीमन बैंक, वेरावली। इसकी वीडियो आपने कवर भी करी थी आपके चैनल पे, बिल्कुल ताजा ब्याएगी इसकी वीडियो। अच्छा, ये 7 महीने के करीब ब्याई है, लगभग 8 किलो दूध है। अच्छा, 7 महीने की ब्याई हुई है ना? 7 महीने की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। और ये नवंबर 8 नवंबर को ब्याई, और 9 नवंबर को इसकी वीडियो कवर करी गई जी। जी जी। और इसके नीचे ये भीष्मा का मेल काफ, मेल काफ है, ठीक है। ये इसका इसमें टैग है, जिस बार 23 किलो दूध निकाला उस टाइम इसके नीचे जो मेल काफ है, ठीक है, ठीक है। एक बार भैंस का भी टैग नंबर दिखाएं। भैंस का टैग नंबर ये है। तो देखें कहीं से खरीद कर नहीं लाई गई है ये जो झोटी है, इन्होंने अपनी ही होम ब्रिड तैयार की है। इनकी इस झोटी की जो माँ है वो इनके पास है, और पूंछ आप देख सकते हैं, पूंछ के ऊपर काफ़ी कुछ जो है मुर्रा ब्रिड डिपेंड करती है। बस आप पकड़ो मत, कान को मत पकड़ो, बस, ठीक है। एक फ़ोटो खींच के इसकी लास्ट में अटैच कर देंगे, ठीक है। झोटी के बारे में बताएं, फर्स्ट टाइमर, क्या कुछ रिकॉर्ड? फर्स्ट टाइमर में 16+ था जी, 16 और 17 के बीच में दूध था इसका। हाँ जी। अच्छा, और सेकंड टाइम में लगभग उम्मीद है 20 को टच करती उम्मीद। अच्छा, 20 को क्रॉस आपके अनुमान है। हाँ, तो सेकंड ब्यात में तो थन भी ठीक निकाला है। हाँ, थन भी ठीक निकाला है, और 6 मुंह से 6 दांत है। 6 दांत है, दांत दिखाएं। दांत हाँ, आए, आ जाओ, बस। ये देख, तीन इस साइड। एक सेकंड। तो ये देखें छोटे, एक लास्ट वाला दांत है। हाँ, लास्ट वाला जो दांत है वो छोटा है। ये देख, ये साइड, ठीक है। ये इस साइड भी हो गया छोटा दांत ही, और 1 2 3 4 5 6 और इधर वाला छोटा है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है, ठीक है। तो 6 दांत में ये दूसरी बार इसने एक मेल काफ को जन्म दिया है। तो इस बार सीमन कौन सा रखवाया था आपने? 80-23-74 HLDB का सीमन था सर। 80-23-74 HLDB में जो मुर्रा बुल है, जिसका सीमन फील्ड के लिए अवेलेबल है, वो 5040 इसका माँ का दूध का रिकॉर्ड, दूध का रिकॉर्ड एक ब्यांत में, एक ब्यांत में। तो तकरीबन 15-16 किलो की जो है वो एवरेज आ रही है इसकी माँ। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो फर्स्ट लैक्टेशन में 16 किलो दूध दिया, तो सेकंड टाइम में फादर साइड ये आपकी जो झोटी है ये किसकी? ये जी इस, ये है कुछ आइडिया? ये झोटी के बाद का HLDB की बुल की है। अच्छा, ये नहीं पता इसका टैग नंबर क्या है, टैग नंबर क्या है, बाकी उस इसके बाद का सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। अच्छा, इसके बाद का आप रखने लग गए? हाँ, फिर रखने लगे। तो जागरूकता उस समय बस आई थी, बस आपकी वीडियो देख देख के शुरुआत की, ठीक है। तो इन्होंने एक हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का जो
सीमंथा उससे ये जो झोटी आई थी, और ये उसे ब्यांत की झोटी है जब इसकी माँ ने सेकंड ब्यांत में ही 19 किलो दूध तोला था, 19 किलो दूध तोला था। तो वो पेपर की कटिंग है या फिर वो आपके पास कुछ रिकॉर्ड है 23 किलो का उसकी माँ ले आए। और ये देखें इस तरफ बर्फ़ी जो है वो अब कैसी है। तो बर्फ़ी जो है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जो है उसके बाद जो वर्षा ऋतु है, ये दोनों ऋतुओं जब चली जाती हैं तो तकरीबन श्याम रंग की जो गायें हैं वो भी सफ़ेद रंग में आ जाती है। और अब जिस प्रकार से रिट्रीटिंग मानसून आएगा सितंबर के बाद बाद, जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बर्फ़ी जो है वो श्याम रंग में आती चली जाएगी। ऋषि के नीचे राजा बुल की जो बेटी है वो यहाँ पर है, ये देखें। तो प्राकृतिक गर्भाधान से इसका गर्भधारण हुआ था राजा नंदी से। होम ब्रिड है, यदुवंशी गौशाला की माँ है श्यामा टू, इसकी माँ जो है वो है श्यामा टू। ये देखें बर्फी, और अभी भी जो इन्होंने जानकारी दी है, ये देखें फर्स्ट टाइमर के जो थन है पूरा लंबा थन निकाला है, छोटा और वैसा थन नहीं है। ले आए जल्दी लाओ जी, दिखाएं ये सबसे ऊपर वाला। तो देखें सबसे ऊपर वाला जो नाम है, और नाम आप देखें कृष्ण बबुआ सन ऑफ श्री कमल सिंह, गांव है बबुआ, और मुर्रा ब्रिड में इनकी भैंस ने दूध निकाला था खाली होते समय 9 किलो 975 ग्राम, 11 430, 10 935, 12 240। तो इसका जो दूध रिकॉर्ड हुआ, पकड़ें एक बार सर्टिफिकेट को, पकड़ो ये देखें 23 किलो 70 ग्राम जो दूध है वो दर्ज है। कब का दर्ज है ये? 14/4/1/2023 से 6/1/23 में थोड़ी रिकॉर्ड इसका, अच्छा हाँ इसी साल में 23 लीटर दूध दर्ज हुआ है। और उस टाइम जब ये इसके नीचे बेटी थी उस टाइम 19 किलो दूध उसकी उसकी मैं अच्छा भी दिखा सकता हूं, मेरा पेमेंट। तो ये टैग नंबर जो है, ये टैग नंबर है भैंस का, ये भैंस का है टैग नंबर ऑफ डैम, डेट ऑफ काविंग ये यहाँ पर है, इस बार मेल काफ है नीचे, टैग नंबर ऑफ काफ ये है, और जो आधार नंबर और IFSC कोड वगैरह जो है वो बैंक के, ये जो कटड़े के टैग नंबर है वो ये है। जी जी जी, और इसके नीचे इससे पहले ब्यांत की कटड़ी है जी। हाँ हाँ वो बार है जी जी, इसकी इसी की बेटी है, ठीक है वो और दिखाएं। और जो भैंस है इसकी एक बड़ी बेटी जो बेच दी जी। हाँ हाँ उसकी भी एक बेटी है वो बार है, ठीक है भैंस का। एक एक कटड़ी है वो अलग है, एक भैंस मेरे पास अलग थी वो आपको दिखाई थी वो बेच दी, बाकी जो भी है वो। और कौन सी है, इसी की जोटी है ये बड़ी भैंस है इसी की, इससे छोटे वाली बेटी है। अच्छा इससे छोटे वाली बेटी है, ठीक है ये भी ब्याह चुकी है। हाँ ये ब्याह चुकी है। अच्छा फर्स्ट टाइम है। हाँ इसने ज्यादा कुछ दूध नहीं दिया, ठीक है 12 किलो दूध दिया था फर्स्ट टाइम में। हाँ ये है। और ये जबकि ये बटालियन नामी ग्रामी बुल की भी है। अच्छा वो नामी ग्रामी जो है वो जेनेटिक्स जो है वो पता नहीं किस तरफ मोड़ ले जाती है जी। ये कटड़ी जो अभी ब्याही हुई है उसकी कटड़ी है, पहले ब्यांत की। अच्छा पहले ब्यांत की, उसी भैंस की बेटी है ये। फादर साइड है इसका, फाइव स्टार बुल HLDB का, तो फाइव स्टार सिमन है। अच्छा अच्छा उसका टैग नंबर भी मैं आपको बता दूं भाई। बहुत बढ़िया बहुत। और ये है, ये जो इसकी माँ है ये अभी ब्याही हुई है, इसकी बड़ी बहन उसकी कटड़ी। अच्छा अच्छा बड़ी बहन जो थी जो आपने बेच दी वो कितने की बेची थी? दिल्ली दे दी जी। वो कितने की दी थी? तो बहुत सस्ती। अच्छा अच्छा वो उस समय जागरूकता नहीं थी। जागरूकता नहीं, ठीक है। कितना लीटर दूध था उसके नीचे? उसके नीचे आज भी वो फोन करता है बंदा, 20 लीटर दूध है। 20 लीटर दूध है। कौन से ब्यांत में थी? तीसरे में होगी वो। बाकी जितनी लेवटी इसकी है ना सेकंड ब्यांत में, उसकी सेकंड ब्यांत में इससे कम थी, कम थी। अच्छा कम थी, ठीक है। थर्ड ब्यांत में उसकी लेवटी बहुत बड़ी थी, आप वीडियो में अटैच भी जी 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 जी। और एक उनके पास, ठीक है ठीक है। तो देखें ये जो साथी हैं आपके मित्र हैं बबुआ गांव से ही? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखें एक बार धार किस तरह की है वो दिखाने का एक प्रयास है। तो काफ को छोड़ा गया है, हालांकि अभी 11 बजे का समय है, ना तो सुबह का समय है ना संध्या का समय है, लेकिन फिर भी
एक बार धार जरूर देखें कि किस तरह की धार। तो देखें जो छाया है पेड़ की वो छन के आ रही है, इसलिए कहीं पर सफ़ेद दिखाई दे रही है, कहीं पर जो है काली दिख रही है। अगर एक जैसी छाया होती तो और इसकी सुंदरता उभर कर सामने आती। ठीक है, तो बुल का सीमन लगाया आपने, HLDB बुल का, तो उससे क्या कुछ आपको लगी, संतुष्ट हैं या फिर थोड़ा सा और पूंछ कम आनी चाहिए थी, ज़्यादा आनी चाहिए थी, क्या कुछ कहना? संतुष्ट कम है जी, जी। पूंछ ज़्यादा वाइट आ रही है, ज़्यादा वाइट आ गई, बाकी तो आपको क्या लगता है कि ये अभी जो दूसरी कटड़ी है वो ABC के भीष्मा बुल से प्रेग्नेंट करवाया, अच्छा। तो थोड़ा सा ABC पे मेरा भरोसा कि मैं कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, तो बढ़ रहा है। तो देखें लाइन, एक अच्छी लाइन में इसे कहूंगा, माँ जो है बड़ा भारी भरकम रंप है, पुट्ठे की जो बनावट है बड़ी अच्छी है, और एक एक जो नसें हैं मिल्क वेन जो हैं और शरीर में उभरी हुई जो नसें हैं वो अच्छी दिखाई दे रही हैं। हालांकि थोड़ा धूप छाया, क्योंकि छन के आ रही है इन पेड़ों में से छाया। इसकी माँ है ना जी, जी वो हमारे पास 17 वर्ग आई इसकी माँ, इसकी भी माँ आपके पास ही थी, 23 किलो दूध था उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, और अब परमात्मा की दया से अब की बार जैसे मौका नहीं मिला, कॉल तो हुई थी पर टाइम की सेटिंग नहीं हुई, अब की बार है ना ये भैंस कुछ भी दे, चाहे 24 दे, 22 दे, 23 दे, 22-23 से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट। वो ज्यादा नहीं ले जाना वहाँ तक? ना ना वहाँ तक मेंटेन नहीं हो पाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने चाट बाट में जो दूध देती है खाली कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर, इसके अलावा हमें इस भैंस को कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, बिल्कुल सटीक है। तो ये देखें जो साधारण पशुपालक हैं, और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के एक पशुपालक ने कहा था एक बार कि कैल्शियम देना और फिर सरसों का तेल देना और फिर मिनरल मिक्सचर देना और फिर ये इतनी कीमत लगा करके अगर हम दूध उत्पन्न करेंगे और दूध की कीमतें हैं नहीं तो हमें बचता कुछ है नहीं। तो ये साधारण परिस्थितियों में मान लीजिए 50-100 ग्राम मिनरल मिक्सचर तो वो तो देते ही हैं, लेकिन साधारण परिस्थितियों में लंबे समय तक जो पशुधन दूध निकालता है कहीं ना कहीं किसान को स्वावलंबन की ओर वही लेकर के जाता है। 30-35 लीटर जो हैं वो कितने दिन तक मेंटेन हो पाता है, देखो उसके ऊपर कुछ कहना थोड़ा सा उचित नहीं, लेकिन आप अपना स्वयं विवेक का प्रयोग करें और साधारण परिस्थितियों में अगर एक अच्छे पीक को मेंटेन अगर पशुधन रख पाता है तो अच्छा दूध उस पशुधन का वो माना जाता है। सेकंड टाइमर मुर्रा बफलो गांव है, बव्वा युवा साथी हैं कृष्ण, और ये देखें बिल्कुल शांत है, जेर जार बिल्कुल, रात को सब गिरा दी, वो भी आपको वीडियो दिखा दें, ठीक है जो भी आपसे लें। तो इस बार आप इसको बेचने के इच्छुक हैं? हाँ, बेचने के कारण मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अब मेरे पास पशुधन जैसे एक दो यहाँ पर हैं, तीन वहाँ पर बैठी हैं, एक गौ ये है, बर्फी, अच्छा चार है वहाँ, एक ये है, तो फिर इनके पास तकरीबन ये दो ये बच्चियाँ होगी, तो इन छोटे बच्चों को भी गिनते हो आप? क्या करें सर, गिनना तो पड़ेगा ही, तो इनकी भी है ये तो इनके साथ, हाँ बाकी वो मेल काफ है उसको भी, अच्छा वो भी लेना चाहता है। तो देखें भीष्मा बुल का मेल काफ है, माँ का जो दूध है वो सत्यापित 23 किलो दूध है, सत्यापित, और खुद आए ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स चेक करें। घर पे उसका ज्यादा था सर, घर पे इसका कभी भी आए ताजा भी आई, मैं 24 से प्लस दूंगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आप हॉस्पिटल में लेके जाते थे वो कितनी दूर था? लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। तो पैदल लेके जाते थे? पैदल लेके जाता था, पैदल लेके आता था, फिर दिन में जैसे एक बार जाना एक बार आना, एक बार जाना एक बार आना, चार चक्कर हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। भैंस आजकल खुट्टे से इधर से उधर होती है, तो वजन था इसमें ज्यादा, उस वजह से पशु परेशान होता है रोड पे चलने में भी वैसे। ठीक, तो ये देखें थन पोसाव कैसा है वो देखें, साधारण ग्रामीण परिवेश से, ये कोई पशु विक्रेता नहीं है, एक झोटी जो इतने सालों में इनके घर पर तैयार हुई है।
रास्ते देखें, ठंड में किसी तरह का कोई छर्रा नहीं, कोई पपैया नहीं, बिल्कुल साफ सुस्पष्ट जो है वो धार है। और आपने बताया था कि छोटे बैठे माता जी के पास बैठे, और आप एक बार मुट्ठी से धार निकाल करके दिखाएं। ये देखें अगले ठंड की, ठीक है, पर ले उस तरफ की ओर निकालें, छोड़िए एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है। दाम एक नंबर का मुट्ठी का था जी, तो फर्स्ट टाइमर में थोड़े छोटे थे, लेकिन अब जो फर्स्ट टाइमर में छोटे थे, बिल्कुल सटीक ठंड निकाल। आप जब भी आते थे मेरा विचार यही रहता था भाई जी इसके ठंड बड़े छोटे हैं, पर अब की बार ठंड ठीक निकाल, ठीक निकाले सेकंड लैक्टेशन में, ठीक है ठीक है। गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा खीस न पिलाएं, निकाले खाली कर ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या कुछ आपने इसकी कीमत निर्धारित की है और संपर्क सूत्र बताएं बताएं खुल करके बताएं, आपने मेहनत करके पाली है, किसी से कुछ आप मांग थोड़ी ना रहे हैं जी, हक है आपका इसके जी। भाई जी 2,80,000 2,80,000 रुपये इन्होंने इस झोटी के डिमांड की है। सेकंड लैक्टेशन में आपका जो एक अनुभव के आधार पर आपने बताया है कि 20 जो है वो लीटर दूध दे देगी, ये तो दे देगी। मेरे पास रही तो भी आपको तलवार भी देंगे, ठीक है, परिस्थितियां हैं। हाँ। तो क्या नाम है, अंत में संपर्क सूत्र और जानना चाहूंगा। 94673 ये है, ठीक है, कल भी कह रहे थे ठीक है ठीक है, तो चलाए इसको अच्छे से चलाएं। क्या कुछ उम्र का हो गया है ये, 1.5 साल ना जी। 1 साल ना जी। अच्छा 7 महीने की गैबिन है ये, तो 9.5 महीने का है। अच्छा 9.5 महीने का है, ठीक है। बाकी आपकी बार भैंस भी आएगी उस टाइम तक, अगर कोई नहीं लेके जाएगा तो इसका दूध तोल के दे देंगे, ठीक है ठीक है।